Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So welcome back to my channel Haridwar Pathshala. Today we are learning a new poem of your English Marigold book. Okay, crying. The title of the poem is crying. Crying क्या है? Crying is a type of emotion. जैसे हम अलग अलग emotions को feel करते हैं ऐसे ही एक emotion उसमें से क्या है? Crying. जैसे एक emotion हुआ हमारा happiness, हम बहुत खुश हैं तो हम किस तरीके से behave करेंगे. एक हमारा emotion है sad है तो एक emotion है हमारा क्या? Crying. यानी कि रोना. तो इस poem में हम एक crying के ऊपर हम poem पढ़ेंगे. So let's start a poem. Crying only a little bit is no use. Poet कह रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत रोते हो तो उसका कोई use नहीं है. यानी कि अगर हमने छोटा मोटा रो लिया, जरा मरा से आंसू निकाल लिए हमने, तो उसका कोई फायदा बिल्कुल नहीं है. You must cry until your pillow is soaked. कम से कम इतना रोए हैं हम कि जब तक हमारा pillow यानी कि हमारा तकिया जो है पूरी तरीके से हमारे आंसुओं से क्या ना हो जाए, भीग जाए. रोना उसे कहते हैं. जरा सा रोए तो रोना नहीं, यानी कि जरा से हमने आंसू टपका दिए तो उसको रोना नहीं कहते. रोना किसे कहते हैं? जब इतना रोए कि रो रो के हमने क्या कर दिया, अपने पिलो को अपने आंसुओं से अपने टीयर से बिल्कुल भिगा दिया. देन यू कैन जंप इन द शार एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. फिर जब आप रो जाओ तो रो रो के थक जाते हैं, ठीक है ना. फिर क्या हो, अब कहाँ जाओ आप? शार. शार कहाँ लेते हैं हम ऑब्वियस सी बात है, अपने वॉशरूम में क्या लेते हैं हम? शार. शार होता है ना, सब उसके नीचे क्या करते हैं, नहाते हैं. बड़ा इंजॉय करते हैं शावर के नीचे नहाने से. तो स्प्लैश का मीनिंग क्या होता है? जब पानी आपके ऊपर डलता है तब एक लिक्विड फॉर्म जब आपके ऊपर डलता है तो आवाज़ आती है ना, उसको कहते हैं हम स्प्लैश. जब भी पानी कहीं से ऊपर से गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? स्प्लैश. तो पानी बिल्कुल गिर रहा है. Then you can throw open your window and ha ha ha. और फिर जब आप नहा लिए अच्छे से, अब विंडो को ओपन करो और जोर से चिल्लाओ ha 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 ha. And if people say hey, जब आप जोर से चिल्ला रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, तो बाहर से विंडो से लोग देखेंगे ना, पूछेंगे ना, अरे ये क्या हो, हंस रहे हैं, इतना खुश क्यों हो? तो लोग पूछेंगे. एंड इफ पीपल से हे, लोग कहेंगे क्या बात है, व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, ऊपर क्या चल रहा है, हा हा हा. सिंग बैक, आप फिर से मुस्कुराओ, हंसो, जोर जोर से गाना गाओ, अपनी हैप्पीनेस को इंजॉय करो, अपनी हैप्पीनेस दूसरे तक पहुंचाओ. हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर. तो क्या है, कभी कभी जब हम रोते हैं तो क्यों रोते हैं, या तो हम बहुत खुश होते हैं तो इसकी वजह से कभी कभी हमारे आंसू निकल जाते हैं, और हम बहुत रोते हैं कि हम उस खुशी को संभाल नहीं पा रहे हैं. और कभी कभी जेन्युइनली भी रोना आ जाता है, कभी कभी हम जब हर्ट हो जाते हैं तब भी, और कभी कभी किसी चीज़ को छुपाने के लिए भी हम क्या करते हैं, रो देते हैं. इमोशन हमारा रोना एक ऐसा इमोशन है कि जो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है. तो पोएट क्या कह रहा है, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर. आप ये सोचो कि आप इसके बाद आप फिर कभी नहीं रोगे, अपनी खुशी को जाहिर करो, ये लास्ट टाइम है मैं जो रो रहा हूँ, अब नहीं मैं कभी रोऊंगा, मैं अपनी लाइफ में अब किसको एंजॉय करूँगा, हैप्पीनेस को. आई वेप्ट इट हा हा हा. और फिर अब मैं रो चुका हूँ, वेप्ट मीन्स रो चुका हूँ, अब मैं फिर कभी नहीं रोऊंगा, बिल्कुल हर्ट में पेन में नहीं. अब अगर आंसू आएंगे तो किसके आएंगे, खुशियों के आंसू होंगे, उसको मैं इंजॉय करूंगा. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द पोयम ऑफ योर इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक. होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू स्टूडेंट्स.